अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माज़िन कंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज़ की एक और नई वीडियो के साथ जा रहे हैं DHA मुल्तान जी। बिल्कुल, DHA में एंटर होते ही सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है DHA अरेना। DHA का ये शॉपिंग मॉल R सेक्टर और M सेक्टर के बिल्कुल करीब मेन बुलेवर्ड रोड पे जो है वो आपको DHA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। बहुत जबरदस्त एक सर्विसेज है वो आपको DHA के मेन बुलेवर्ड पे मिलेंगी। और इसके साथ स्कूल सिस्टम सिकास, उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्कूल की बिल्डिंग है वो मुकम्मल कर दी गई है। जानिब से जिन रेजिडेंट्स को जो है वो पोजीशन दे दी गई है उसमें सबसे जबरदस्त पोजीशन जो दी गई है वो M सेक्टर के जो सिटीजन है उनको दी गई है। DHA का DHA के जो विलास हैं जिनकी पोजीशन दी जा चुकी है 6 मरल। वालेकुम नाज़रीन, माज़िन कंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज की एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज जो है हम आपको लेके जा रहे हैं DHA मुल्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का प्रोजेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा रकबे पर है, सबसे ज़्यादा घर हैं, कमर्शियल प्लाजाज हैं, मार्केट्स हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट करना कैसा है और क्या क्या चीज़ इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है, हम आपको तमाम चीज़ें रियल टाइम में दिखाएंगे आज के किस किस तरह से क्या क्या चीज़ कितनी कंप्लीट हुई है और किस तरह की नज़र आ रही है और आगे इसका फ्यूचर किस तरह से जाने वाला है। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जू है, यहाँ पे विलास की क्या स्टेटस है, यहाँ के एरिना का क्या स्टेटस है और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या है, मस्जिद का क्या सूरत हाल चल रही है, तमाम तर तफसीलात आपको देंगे कि DHA में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है और DHA में आगे आने वाला मुस्तकबिल किस तरह से जाना जा रहा है। तो आइए चलते हैं, एक एक चीज तमाम चीजें आपको आज DHA की दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं DHA। जी बिल्कुल, DHA में एंटर होते ही सबसे पहले जो चीज आती है वो है DHA अरेना, जहाँ पे आप इसको शादी हॉल भी कह सकते हैं। यहाँ पे रूम्स भी हैं स्टे करने के लिए, रेस्टोरेंट भी मौजूद है। तकरीबन बैक वक्त 3000 लोगों का जो एक फंक्शन होता है जिसमें वो गैदरिंग कर सकते हैं। और सेंट्रली एयर कंडीशनड ये अरेना की इमारत है। और यहाँ की पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग में तकरीबन 1000 के करीब जो गाड़ी हैं उसकी जगह है, जबकि इसकी एक और पार्किंग पीछे की जाने बन भी रही है। तो मजमू तौर पे DHA का दिल कहा जा सकता है इस अरेना को, जिसे शादी हॉल भी कहा जा सकता है और एक स्टे प्लेस भी कहा जा सकता है, रेस्टोरेंट भी कहा जा सकता है। हर वक्त ये आपको ओपन मिलेगा और यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं मज़ीद क्या क्या है DHA में। जी DHA अरेना की इमारत से अगर आप आगे आए मेन बॉलीवुड रोड पे अगर आप रहें तो उसके बाद जो आपको एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ नज़र आती है वो है DHA का ये शॉपिंग मॉल। इस शॉपिंग मॉल में तमाम किस्म के जो दुनिया भर के जदीद तरीन ब्रांड हैं वो यहाँ पर जो है वो आएंगे। और उसके हवाले से बताया जा रहा है, इस अगर शॉपिंग मॉल की हम बात करें तो इसमें तकरीबन 200 के लगभग जो है वो दुकानें हैं जिनकी तामीर तेज़ी से जारी है और ये बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब है। किसी भी सोसाइटी की जो कामयाबी होती है वो यही होती है कि वहाँ पर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी हो। तो DHA इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रख रहा है और देखना होगा कि ये शॉपिंग मॉल कितनी जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जाता है। और कहा यही जा रहा है इसी साल के आखिर तक तमाम चीज़ें जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो DHA में अवेलेबल होंगी। तो ये है DHA का शॉपिंग मॉल जिसका काम तेज़ी से जारी है, आप देख सकते हैं। मज़ीद आपको आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। जी बिल्कुल, मेन बॉलीवुड रोड पे अगर आप रहते हैं तो शॉपिंग मॉल से बिल्कुल ही साथ थोड़ा सा आप जब आते हैं तो ये Askari 3 के जो घर हैं, तमाम के तमाम विलाज हैं, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं Askari 3, क्योंकि Askari 1 और 2 जो है वो मुल्तान चमनजारे Askari जो झील है वहाँ पर हैं। तो इन विलाज की अगर बात की जाए Askari 3 की, ये बिल्कुल कम्प्लीट है। यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी हैं और चंद एक जो विलाज हैं उनमें लोग नहीं भी रह रहे। तो मजमूई तौर पे यहाँ तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को अवेलेबल हैं। यहाँ पे गैस, बिजली, पानी, हर तरह की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। और Askari 3 के विलाज की जो पोजीशन है वो लोगों को चावियाँ दी जा चुकी हैं और यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात है कि DHA के मेन बिलीवेट से जब आप अंदर आते हैं तो Askari 3 में जो है वो रिहाइश मौजूद है और लोग यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं। DHA मेन बोस्टन रोड से जब आप एंटर होते हैं, उसके जो गेट से अंदर आते हैं, तो आपको सबसे पहले अरेना मिलता है। अरेना के साथ साथ आपको Askari 3 मिलती है। Askari 3 के बिल्कुल सामने आपको जो है वो शॉपिंग मॉल मिलता है। शॉपिंग मॉल के बाद जो सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया है DHA का, DHA के जो विलाज हैं
जिनकी पोजीशन दी जा चुकी है, 6 मरले 9 मरले 12 मरले के विलाज हैं और इनके दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो पार्क दिया गया जहां प्ले एरिया भी चिल्ड्रंस का बनाया गया और उसके बिल्कुल साथ मस्जिद का जो तामीरी काम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जारी है और यहाँ पे नमाजें भी जो है वो शुरू हो गई हैं एक महदूद तादाद में और इस मस्जिद में तकरीबन 2000 के करीब जो है लोगों की गुंजाइश भी रखी गई है और इसका बताया जा रहा है कि चंद ही 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इसका काम काफ़ी हद तक मुकम्मल करके इसको जो है वो बिल्कुल ओपन कर दिया जाएगा नमाज जुम्मा की तमाम हर तरह की ईद की नमाजों के लिए भी। तो मजमू तौर पर विलाज पर हम एक और भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि विलाज अंदर से किस तरह के लगते हैं, किस तरह से जो है वो दिखते हैं। इसके साथ साथ आपको पता चलें जो विलाज है उसके बाहर सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो चेक पोस्ट हैं वो भी बना दी गई हैं, ऑपरेशन कर दिया गया, लोग यहाँ पर रह रहे हैं आके विलाज के अंदर और जो लोग अभी नहीं आए वो भी उनके भी कुछ कुछ विलाज जो है वो ज़ेर तामीर हैं और मजमू तौर पर पार्क की सहूलत, बिजली की, गैस की तमाम सहूलियात जो है वो इन विलाज में प्रोवाइड कर दी गई हैं सिटीजन्स को। तो जी DHA मेन बिलीवर्ड से जब आप आगे आते हैं, अस्करी 3 से जब आप आगे आते हैं और साथ ही साथ जो है वो जू से पहले और डी ब्लॉक के बिल्कुल करीब दुनिया का एक बहुत ही मशहूर स्कूल सिस्टम सिकास, उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्कूल की बिल्डिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है, उसके क्लासरूम्स और इसके साथ साथ इसके जो जितने भी प्ले एरिया तमाम चीज़ें, इसकी इंडोर ये जो है वो फैसिलिटी है इसमें तमाम की तमाम, इसमें AC की भी फैसिलिटी है, तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम है ये, तो ये मुकम्मल कर लिया है। कोविड की वजह से अभी तक यहाँ पर क्लासेस का आगाज़ नहीं हो सका लेकिन बताया यही जा रहा है कि हालात अब बिल्कुल नॉर्मल होते जा रहे हैं और क्योंकि DHA में पोजिशंस भी दी जा चुकी हैं विलाज में और इसके साथ साथ अस्करी में जो है रिहाइशें भी आ चुकी हैं, तो बहुत जल्द इसका स्कूल सिस्टम की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया जाएगा और यहाँ पे बाकायदा तौर पे क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाएगा जो कि DHA के सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि उनको एक अपनी रेजिडेंसी के अंदर ही एक स्कूल सिस्टम मिल जाएगा। जी बिल्कुल, DHA में जब आप एंटर होते हैं सबसे पहले अरीना, अरीना के साथ अस्करी और साथ साथ शॉपिंग मॉल के बाद जब आप आते हैं मेन बुलेवर्ड रोड पर डी ब्लॉक के बिल्कुल ही करीब जो है वो आपको जू मिल जाता है, 360 जू, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसकी तामीर जो है वो तेज़ी से जारी है, तमाम बेसिक जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, तमाम जो पिंजरे हैं या दूसरे ग्रासी प्लॉट्स हैं, गार्डनिंग है, तमाम की तमाम जो है मुकम्मल कर ली गई है, मॉन्यूमेंट्स रख दिए गए हैं, मॉडल्स रख दी गई हैं जानवरों के। इसके साथ साथ बताया यही जा रहा है कि चंद दिन या 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो इस ज़ू का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो DHA में जितनी भी फैमिलीज अस्करी 3 में अभी रहती हैं या जो विलाज में रहती हैं या जो वैसे मुल्तान के लोग घूमने फिरने आते हैं या जनूबी पंजाब भर से आते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी, क्योंकि मुल्तान में ज़ू मौजूद नहीं है, लोग ज़ू जो है वो देखते हैं बच्चे जाके लाहौर में या दूसरे शहरों में बहावलपुर में जाना पड़ता था, तो अब मुल्तान में DHA की जानिब से एक बहुत बड़ा ज़ू जो है वो कायम किया जा रहा है जिसका इनॉग्रेशन चंद ही दिन में जो है वो होने वाला है, जो कि DHA के लोगों के लिए और मुल्तान के लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। पब्लिक सर्विसेज है वो आपको DHA के मेन बुलेवर्ड पे मिलेंगी और इसके साथ साथ जू से जब आप आगे आते हैं तो आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग देखने को मिल जाती है रेस्क्यू 1122 की, जो कि DHA और गेरू गवर्नमेंट का जो 1122 का महकमा है उसके तावन से आपस में कोलेब्रेशन के साथ चला जाएगा और शहरियों को जो जो DHA के रेजिडेंस होंगे उनको उनके डोर स्टेप पे इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो मुहैया की जा सकेंगी और चंद ही दिन में बताया जा रहा है इसका भी इफ्तिताह मुतवक्के है और इसकी पेट्रोलिंग बाकायदा तौर पे शुरू कर दी जाएगी। आगे चलते हैं और देखते हैं DHA में क्या क्या बन रहा है या बन चुका है। DHA मेन बुलेवर्ड से जब आप आगे आते हैं रेस्क्यू 1122 की इमारत के आगे आते हैं तो आपको बिजनेस कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा शानदार मौके जो है वो मिल सकते हैं। इस वक्त DHA का जो बिजनेस हब है उसका काम भी जो है वो तेज़ी से जारी है, यहाँ पर जितने भी कमर्शियल टावर्स हैं उनको बनाया जाएगा और इन कमर्शियल टावर्स में ऑफिसेज होंगे, रूम्स होंगे, कमर्शियल एरियाज होंगे, जिसको आप अगर आज बुक करवाते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट भी क्लेम किया जा रहा है। अगर आप इसको चंद लाख का आज ले लेते हैं तो ये कल को चंद करोड़ का बन जाएगा। तो DHA बिजनेस हब के जानिब जाने वाले जो रोड्स हैं एक रिंग रोड जैसा एक माहौल बनाया गया है, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 रोड तकरीबन जो है वो इस बिजनेस हब की जानिब जा रहे हैं और ये मेन बिलीवर्ड के बिल्कुल साथ से जो है वो अंदर होता हुआ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा मौके इसमें हैं और जो जो बिजनेसमैन बिजनेस कम्युनिटी है वो यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो बासानी कर सकती है। बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के माहदे भी चल रहे हैं DHA के साथ बिजनेस हब के सिलसिले में। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। जी DHA मेन बुलेवर्ड से जैसे ही आप आगे आते जाते हैं 1122 से और दूसरा बिजनेस हब से तो आपको R सेक्टर और M सेक्टर के बिल्कुल करीब मेन बुलेवर्ड रोड पे जो है वो आपको DHA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, बहुत ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट
जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आपको क्रिकेट ग्राउंड की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको बैडमिंटन की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको इसके साथ साथ बास्केटबॉल की, टेनिस की, जो मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। और सिटीजन्स जो अब यहाँ पे पोजीशंस लेके, चाबियाँ जिन्हें मिल चुके हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ पर आकर इन्जॉय भी कर सकते हैं और यहाँ पर आके स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इन्जॉय कर सकते हैं। तो मजमू तौर पर डी एच ए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सूरत हाल की आप इस वक्त देख सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तकरीबन जो है वो मुकम्मल है और यहाँ पर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो भी जारी है सारी हैं, क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से कोई बड़े इवेंट्स होने देखने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसको वक्त के साथ साथ मजीद इंप्रूवमेंट इसमें लाई जा रही है। डीएचए की जानिब से जिन जिन रेजिडेंट्स को जो है वो पोजीशन दे दी गई है, उसमें सबसे ज़बरदस्त पोजीशन जो दी गई है वो एम सेक्टर के जो सिटीजन्स हैं उनको दी गई है, क्योंकि इनको पोजीशन दे दी गई है और एक केनाल के इनके तमाम के तमाम प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से देखने में आ रहा है कि जो घर हैं वो बन रहे हैं और काफ़ी घर के ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुके हैं और काफ़ी सारे जो घर हैं उनकी इस वक्त फिनिशिंग भी चल रही है। तो लगभग अगर आप कहें तो सैकड़ों की तादाद में जो है वो एक केनाल के घर जो लोग खुद जो है वो तामीर कर रहे हैं और यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, तमाम सहूलतें इनको जो है वो पहुँचा दी गई हैं और यहाँ पर तेज़ी से जो कंस्ट्रक्शन का अमल है एक केनाल के घरों का वो शहरियों की जानिब से जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, डीएचए से जब आप एंटर होते हैं तो रीना के बिल्कुल सामने आपको डीएचए नर्सरी मिल जाती है। इस नर्सरी की खास बात यह है कि यहाँ पे हज़ारों इकसाम के पौधे जो है वो उनकी परवरिश की जा रही है और डीएचए में कहीं भी किसी भी किस्म के प्लांट की अगर ज़रूरत पड़ रही है किसी सेक्टर में, किसी इमारत में और मस्जिद में, इधर उधर कहीं पर भी, तो यहीं से वो पौधे जो है वो लिए जाते हैं, उनकी प्लांटेशन की जाती है। मुख्तलिफ जगहों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और दूसरे ममालिक से भी जो प्लांट्स मंगवा कर यहाँ पर उनको तैयार किया जा रहा है, उनकी जो है वो आप कहेंगे प्लांटेशन की जा रही है। तो मजमूई तौर पे डीएचए की नर्सरी में आपको हज़ारों इकसाम के जो है वो पौधे मिलेंगे और यहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ बिलाशुबा नज़र भी आ रहा है।